has changed its valuation of intangibles from cost to revaluation. क्या कर सकता है? तो क्या सही किया होगा? सही किया होगा, अज्यूम के सही किया, तो साफ रिपोर्ट अलोंग विद एम्फोसिस, ये बात समझ आती है। ड्यू टू फायर इन द रिकॉर्ड रूम ऑफ TL ऑल द रिकॉर्ड्स और बैकअप डिस्ट्रॉय हो गया और आपको कोई भी बैलेंस नहीं मिल पा रहा। जी मिस, स्कोप लिमिटेशन एडवर्स या कौन सी वाली क्वालिफाइड या इफ मटेरियल तो क्वालिफाइड और इफ परवेसिव तो सवाल ने कोई वैल्यू दी है? सवाल ने कोई वैल्यू दिया आपको? ओ भाई हौसला, कोई वैल्यू दी है सवाल ने? तो सेफ खेलें, ऑलवेज प्ले सेफ। अगर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मुझे भी लग रहा है कि ये परवेसिव है, मैं मानता हूँ कि ये परवेसिव है, बट ऑलवेज प्ले सेफ। ऑल द रिकॉर्ड्स एंड बैकअप रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स डेटर्स और स्टॉक। क्या सिर्फ ये तीन बातें ही होती हैं? बाकी भी तो होती हैं ना। मेजर पोर्शन मानता हूँ है, तभी मैं कह रहा हूँ प्ले सेफ। During the planning stage of Coal Limited, it was noted that the system of controls of the company is weak. This aspect was taken into consideration in determining the nature, timing or extent. क्या हमारा काम controls पे कुछ ना कुछ करने का होता है? तो ये हमारा को ताल्लुक इससे नहीं है। तो management की वजह से होगी? अगर होगी तो ना, देख दे दो मार्क्स के लिए थोड़ा सा रिमोट जा रहे हो, मैं लिखूंगा, लिखता हूँ, मसला नहीं। हाँ जी, तो उससे रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? वो तो आपके अपने हैं, हर चीज को सारा कैम में नहीं डालना। मतलब ये नहीं करना कि पिक एंड चूज कर दो, ये कैम है, ऐसा नहीं करना। जो चीज़ है उसको रेलेवेंट चीज़ को कैम में डालें। वन ऑफ द प्लांट्स ऑफ UL वॉज डिस्ट्रॉयड सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड डिस्क्लोजर्स, उन्होंने फाइनेंशियल्स में डाल दिए हैं। आप तो छाते जा रहे हैं। स्प्रिंग 14 का दूसरा पार्ट आपके पास है, 5 मिनट सिर्फ आप लोगों ने सोचना है। 14 ही है असल में, दिखाने का मकसद ये है कि यू शुड ऑल्सो बी फील सम मोटिवेशन, यू कैन डू। तो जो रोशन के जो मैं कर रहा था वो यही है कि यू कैन डू, पॉजिटिव एस्पेक्ट, यू नो। पूछना है आप दोनों से, नहीं मैंने कब मना कि आप लोग ना करें, शायद उन्होंने गलत बताना हो, फिर शायद सही बताना हो। इसके सोल्यूशन में तो उसने मांगा ही नहीं है। हाँ, जितना वो मांग रहा है ना उतने ही पॉइंट्स लिख दें, जितने मार्क्स के लिए मांग रहा है ना। जैसे 4 अगर मार्क्स हों तो 4 बातें इनफ है। नहीं नहीं, अगर वो इम्प्लीकेशन के साथ कह दे कि मुझे बताएं कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, फिर आप लिखेंगे। और अगर वो खामोश है फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो स्पेसिफिकली मांगता है सर, उसने ए पार्ट और बी पार्ट दिया था, उसमें दो पार्ट थे। ए पार्ट में थी इम्प्लीकेशंस, बी में थे प्रोसीजर्स, या वाइस वर्सा था शायद। तो 10 नंबर के 2 सवालों में उसने मांगे थे आपसे प्रोसीजर्स, और 8 नंबर के लिए यानी कि 4-4 के लिए मांगे थे आपसे इम्प्लीकेशंस। हाँ जी, अ बैंक कन्फर्मेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड डिस्पाइट एक्सटेंसिव फॉलोअप्स बाय द क्लाइंट एज द डेडलाइन इज क्लोज, द क्लाइंट हैज प्रोवाइडेड यू द ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ 31 दिसंबर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक मैनेजर। कंसिक्वेंटली द क्लाइंट इज ऑफ द ओपिनियन के भाई कन्फर्मेशन हम जरूरी नहीं है। हाँ जी मिस, मिस विद द रेड पेन। हाँ पढ़े 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 पढ़े, तब तक कोई और भाई उस वक्त हाथ खड़ा कर रहे हैं, फाइक बुझी फाइक भाई। सर,
सर क्वेश्चन ये है कि जो उसने आपको दूसरी स्टेटमेंट दे दिया है, क्या वो काफ़ी नहीं है? क्यों? एक तो वो कंपनी खुद से दे रही है, दूसरा उसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि मुझे मिलनी है कहाँ से, कन्फर्मेशन वाली से। सो वाट वो चीज़ें जो कि हम मांगते हैं कन्फर्मेशन में, वो हम खुद से अपनी पसंद से मांग रहे होते हैं। मगर बैंक स्टेटमेंट में गिनती की चार बातें होती हैं, ट्रांजैक्शंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, और ऊपर कुछ बेसिक बातें होती हैं। तो बेशक वो साइंड है, स्टैम्प्ड है, मगर ये मुझे वो एविडेंस नहीं देगी जो कि मुझे एक कन्फर्मेशन से मिलती। मिस यही बातें रिपीट कर दें। आपने सुना नहीं, मिस आपने सुना, आप फिर रिपीट भी कर रहे हैं। अगर तो ऑल्टरनेट से उसको उतना कुछ मिल गया है उस एक स्टेटमेंट से जितना उसको मिलना था उस दूसरी वाली स्टेटमेंट से जो कि उसने खुद से मांगी है, तब तो ठीक है। मगर जो उसने मांगी होगी वो उतना कुछ उसमें मौजूद नहीं था, तो 10 में से शायद उसको दो बातें मिल गई होंगी, तो ये इतना अच्छा ऑल्टरनेट चीज़ नहीं है। तो मेरा स्टिल स्कोप क्या है? लिमिटेड। जी मिस। हाँ जी, मैंने कल तो नहीं कहा, मैंने भी कहा है। अल्लाह, एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट ऑफ ऑरेंज लिमिटेड द मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज टू सेंड कन्फर्मेशन ऑफ 3 मेजर डेटर्स हु कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ द टोटल डेटर्स। ऑन इंक्वायरी यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट दीस डेटर्स आर पार्टनरशिप कंसर्न्स, और वो बहुत टाइम लेते हैं रिप्लाई करने में। बताएं क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं? नेगेटिव कन्फर्मेशन की बात ही कि और भी पड़ा था, ये कहाँ का सवाल है? ये उसने 505 को जोड़ा है रिपोर्ट के साथ, 505 को जोड़ा है रिपोर्ट के साथ। 505 आता है ये, मैं भी टाइम लगा रहा हूँ तो बताएं। जी मिस, आपने कहा था मैं 0.2 बताऊँगी। चलो हाँ जी, अच्छा चलें काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को होल्ड कर लेते हैं, 500 उसके साथ कर लेंगे, 505 के साथ डन। ये आपने मुझे याद करवा देना तो कोई ये इसको याद रहेगा, ये शख्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो सकता है, कर सकते हैं सर। आपके पास रुके अब जरा कापियां खोलने पहले इस वक्त ये सवाल देख लें, वजीर वाला शुरू हो जाए। 7 नंबर का सवाल है एंड यू गाइस हैव 10 मिनट्स। मैंने क्या कहा? वजीर वाला रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूं। रिक्वायरमेंट है आपने बताना है इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। हाँ, वजीर वाला वजीर है ये पार्ट भाई। जी सर, ये है स्प्रिंग 13। वजीर और सफीर, बड़ा मजे का सवाल है जो कि आपके IAS 16 के तबकों को रोशन करने वाला है। वजीद भाई और सफीद भाई, उसको पॉज कर दो। जी, इन नवंबर 2012 वजीर लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ 5-ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद सफीर लिमिटेड
फॉर सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स द सप्लाई वॉज टू कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2013। ये मेरे पास आ गई मेरी पहली डेट 1 अप्रैल 2013। इन दिसंबर 12 WL परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी स्पेसिफिकली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विद SL एट अ प्राइस ऑफ, और कितनी लाइफ है यूजफुल। हाउएवर इन जनवरी 13 SL इनकर्ड हैवी लॉस इन अ नेचुरल डिजास्टर एंड कंपनी वेंट इन टू लिक्विडेशन। याद रख, सवाल क्लियर है? याद रख क्या हो रहा है सवाल में, हो क्या रहा? नहीं, सवाल का सिनेरियो क्या है? एक मशीन ली है, सबसे पहले क्या हुआ, दो कंपनी है WL और SL, इनका आपस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि हम आपके लिए स्पेसिफिक पार्ट्स बना के देंगे, यानी कि ये वो पार्ट्स होंगे जो कि किसी और के काम नहीं आएंगे। उन पार्ट्स को बनाने के लिए इन्होंने एक मशीन परचेस की। मशीन की कॉस्ट कितनी है, 150, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल। हाउएवर इन जनवरी 13 कंपनी को हैवी लॉस हुआ SL को, और वो चली गई लिक्विडेशन में। कब गई, हमारे ईयर एंड पे या ईयर एंड के बाद? हमारा ईयर एंड किया है 31, वो कब जा रही है, हमारा ईयर एंड के बाद। तो एट ईयर एंड क्या कोई इंडिकेशन है, नहीं है। तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है, ये कौन सा है, यहाँ लिख दूँ मैं, ये एक नॉन एडजस्टिंग, यहाँ तक क्लियर है। एक शख्स बैड डेट हो गया, हम कंपनी की गोइंग कंसर्न, अपनी कंपनी की बात नहीं करें, हम दूसरी उसके कस्टमर की बात करें। ड्यूरिंग 12 सेल्स टू SL अमाउंट टू ₹5 मिलियन और रिसीवेबल कितना है, 4.5 लाख। फॉर द ईयर एंड 31-12 उसने हमें 3 बेंचमार्क्स दे दिए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 125 का, टर्नओवर 900 मिलियन का और नेट एसेट्स 1.2 बिलियन के। तो 125 मिलियन, 900 मिलियन और 1.25 बिलियन, कौन से दो बेंचमार्क्स को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक PBT को और एक नेट एसेट्स को। नेट एसेट्स को, एक PBT को और एक नेट एसेट्स को, प्लांट है, एक नेट एसेट्स को। अब ज़रा मुझे बताइएगा, कस्टमर ने हमारे कितने पैसे पे करने थे, ज़रा 450 को 125 पे करें और 450 को 1.2 बिलियन पे करके बताएं अमाउंट क्या आपके पास आ रही है। 0 point something में आएगी अमाउंट, तो ये एक इमटेरियल सी अमाउंट है। मसला इसका नहीं था, मसला कहाँ पे आएगा, वो प्लांट जो हमने परचेज कर लिया है। प्लांट की वैल्यू थी 150, कब खरीदा है, फर्स्ट नहीं नहीं दिसंबर में, यानी कि अपने ईयर एंड के ही महीने में खड़े होकर हमने इसको परचेज कर लिया। तो इस पे कितने माह के डेप्रिसिएशन चार्ज, 1 माह की, और यूजफुल लाइफ कितनी है, ज़रा मुझे बताएं इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, तो 150 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/12, ये तो उसकी आदत निकाली डेप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट निकाली कितनी है, 147.5। इसको कंपेयर करें 125 के साथ और 1.2 के साथ, रफली 14 या नहीं, मुझे निकाल के बताएं ना कितनी आ रही है, सही वाली अमाउंट निकाल के बताएं रफली क्या होता है, क्या प्लांट की कॉस्ट कितनी है, चलें मुझे बताएं कॉस्ट के हिसाब से 150 को ज़रा डिवाइड करें, 150 डिवाइडेड बाय 125 क्या आएगा, 120% मटेरियल हो गई है, ऊपर चली गई है उससे। तो अब मैं क्या करूं, मसला डेटर का तो नहीं है, मसला उस प्लांट की इम्पेयरमेंट का। अब अगर तो उन्होंने इम्पेयरमेंट सही से चार्ज कर लिया है तब तो सही है, और अगर इम्पेयरमेंट को सही है लोग वर्कआउट नहीं कर पाए, फिर मिसस्टेटमेंट में चली जाएगी ये बात। हम इम्पेयर करेंगे जो हम साथ में बाद ही पता चलता है, तो उस
उस साल के एक चीज़ होती है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, वो क्या होते हैं, वो डेटर के लिए नहीं होगा, डेटर बाद में हुआ ख़राब, मगर वो एसेट तो मेरे पास ईयर एंड पे खड़ा हुआ ना, वो प्लान तो मेरे पास है ना, अब मुझे पता है कि उसने मेरे से परचेजिंग नहीं करनी है, जब मुझे पता चल गया, मगर मेरे अकाउंट्स कौन से बन रहे हैं साल के, पता मुझे चल गया, देखो ना डेटर बाद में हुआ है उसका मसला नहीं होता, एसेट तो मैंने अपने दिखाना है शेयर होल्डर्स को, तो उनको बताऊंगा नहीं कि भाई ये एसेट अब इस काबिल नहीं है, इसकी वैल्यू इतनी नहीं इतनी है, दिखाना पड़ेगा ना मुझे उसको, हो सकती है हो सकती है। इस सवाल में मसला कोई और है, गलती कोई नहीं है, आपने इसको ये बताना है कि इम्पेयरमेंट अगर उन्होंने चार्ज की हुई है तो ठीक है, तो फिर हम साफ रिपोर्ट में दे देंगे एम्फोसिस, और अगर नहीं की हुई तो भी करवाएंगे, नहीं कर रहे हैं तो रिपोर्ट ख़राब कर देंगे। डन जी। मिस मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि एक लीगल डिस्प्यूट है बिटवीन मारवी लिमिटेड और उसके कस्टमर के बीच में, एक लीगल डिस्प्यूट है बिटवीन मारवी लिमिटेड और उसके एक कस्टमर के बीच में, लीगल एडवाइजर हैज़ कन्फर्म्ड द स्टांस ऑफ मैनेजमेंट इन अ मीटिंग, हाउएवर वो आपको लिख के नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊंचा बोल रहे हैं स्कोप लिमिटेशन, तो उनको लिख के देना चाहिए, और अगर ना दें परवेसिव या मटेरियल, वो सवाल आपको बता देगा, सवाल खामोश है तो इफ़ दैट और इफ़ दैट वाली कहानी। द मैनेजमेंट ऑफ लैला लिमिटेड इज नॉट विलिंग टू मेक सर्टन डिस्क्लोजर्स, द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट दीज डिस्क्लोजर्स विल नॉट एड एनी वैल्यू टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फर्दर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक दीज डिस्क्लोजर्स कैन नॉट बी कंप्लाइड बिफोर द डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ, हब बताएं डिस्क्लोजर्स वाली बात, ये बात आपको किताब में कहीं दिखाई देनी चाहिए, कहाँ पे लिखी हुई है, मटेरियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स के अंदर, तो ये वही बात है कि मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू मेक सर्टन, वो बना के देना नहीं चाह रहे हैं, द मैनेजमेंट को ये लगता है कि इससे कोई वैल्यू एड नहीं होगी, उनको बना के देने चाहिए, ये एक मिस स्टेटमेंट है, बना के नहीं दे रहे हैं। फर्दर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो भी अवेलेबल इनके पास एज सच इजीली नहीं है, इन्होंने डाटा कोई भी कंपाइल नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब क्या है, दोनों बातें हिट हो रही हैं, बनाई हुई है नहीं डाल रहे हैं तो मसला है, और बिल्कुल भी बनाई नहीं हुई है फिर भी मसला, तो चार नंबर के लिए आपको ये दोनों बातें थोड़ी थोड़ी सी लिखनी पड़ेंगी। सर क्या कि अगर इसके अलावा कोई और वजह होती क्वालिफाई करने की, लिख दें, ऐसा ज़रूरत नहीं है यार, वारंटी आती किसी को आती है, पता है कौन से, एक सवाल आपको ना किताब में मिलता है ये वाला, ये सवाल है आठ नंबर का, ज़रा ट्राई तो करें सवाल को, टी एल तारिक डेमेट, इसकी अटैम्प्ट मुझे भूल गई, अटैम्प्ट क्या है, शायद 13 की अटैम्प्ट है, शायद पता नहीं मुझे याद नहीं है, 17 है, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ टी एल उसने दिया हुआ 790 मिलियन, आपको 3 साल आप वारंटी वाली बात कर रहा है, ये वारंटी का स्टैंडर्ड कौन सा होता है, 37 प्रोविजंस वारंटी 80 मिलियन कंप्यूटेशन, इसका मुझे आंसर आप लोग देंगे, मैं अब थोड़ी देर के लिए खामोश होने लगा हूँ, पॉज। तारिक लिमिटेड द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ टी एल फॉर द ईयर एंड 30 जून 2017 इज रुपीज 790 मिलियन, टी एल प्रोवाइड्स 3 साल वारंटी टू इट्स कस्टमर्स एंड हैज़ मेड प्रोविजन ऑफ 80 मिलियन,
द मैनेजमेंट कैरीज आउट द कॉम्प्यूटेशन इंटरनली. द प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस. देयरफॉर योर फर्म हैज अपॉइंटेड एन मजा आया एक्सपर्ट क्लब सुन के. फॉरन से 620 इन में आ गया होगा. आफ्टर फॉलोइंग ऑल द नेसेसरी प्रोसीजर्स फॉर असेसिंग द कॉम्पिटेंस केपेबिलिटी. और उसने कहा उसकी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं सारी बातें चेक कर चुका हूँ. तो खुदारा एक्शंस के अंदर ये ना शुरू कर देना कि मैं एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस को वेरीफाई करूँगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को वेरीफाई करूँगा. ये बातें देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना एक्सपर्ट को लेके. उसने आपको साफ साफ मना कर दिया है. स्टिल कुछ करके आएंगे तो वो फिर आपसे बहुत कुछ कर रहा होगा. सर देखें वो लिख के आने को वाकई में तैयार है, और नहीं लिखना एक्सपर्ट के बारे में कुछ भी यहाँ पे. वो स्पेसिफिक कह रहा है कि उसके बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. जाहिर सी बात है. हाँ जी चलें मुद्दे पे आते हैं. 3 साल की वारंटी है जिसकी प्रोविजन रिकॉर्ड हुई हुई है 80 मिलियन. मुझे बताइए प्रोविजन IS 37 कब और कहाँ पे आपको रिकॉर्ड करने देता है. जहाँ पे अब जो आप बात कर रहे थे इधर बात सुने. सिंस एक्सपर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एंड मैटर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुके हैं, वी मे नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग. वी मे नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग. उसने तीन बातों को लेके मना कर दिया था. बाकी बातें हम कर देंगे, बाकी बातें करेंगे उन तीन को माइनस करके. तो उसकी काम की अजम्पशंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, सोर्स डाटा, कंक्लूजन, प्रोसीजर, सारी बातें एक्सपर्ट वाले उठा के आपने छाप दी. आज का इस तरह का सवाल नहीं आता, मगर आ सकता है, कोई पता नहीं उसका. ये बताएं ये जो ऊपर की फिगर थी 80 और 790 कितना परसेंट बन रहा उसका. तकरीबन 10%. तो ये एक हम मान लेते हैं मटीरियल. रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस इन केस द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूएशन जो है वो मटीरियल है और रिजॉल्व नहीं हो पा रही है तो क्वालिफाइड. और अगर आपको सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग वैल्यूएशन प्रेजेंटेशन वारंटी सारी बातें मिल जाता है, सब कुछ सही है, तो फिर आप उसको उठा के कैम में डाल सकते हैं. अगर आपको सब कुछ सही लगता है, अदरवाइज एम्फोसिस का दरवाज़ा तो आपके लिए खुला ही खुला. थोड़ा सा ऊंची. हाँ ये बात भी आएगी कि अगर वो मॉडिफाई कर रहा है तो फिर हम एक्सपर्ट के काम को रेफर नहीं करेंगे, या उसके काम को रेफर करके ये नहीं मानना कि जिम्मेदारी उसकी है. मॉडिफाई कर रहे हो अनलेस, वो कहता है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ. Your firm has been appointed as the auditor of Yaqub Limited for the audit of 17. The team was not able to perform the inventory count at year end because appointment was made on 15. ये वही बात है ना, उनका मसला है ना, बियॉन्ड द कंट्रोल है, ये हमारा टाइमिंग का इशू है. तो यहाँ पे वो आपने स्कोप लिमिटेशन और उससे मुताबिक एडवर्स और सॉरी क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर वाली बात उठा कर लिख देनी है. देख लेते हैं. ये बता सकते हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट बाद में हुई थी, उसके अंदर आ सकता है. अदर मैटर के अंदर भी कि हमारी अपॉइंटमेंट बाद में हुई थी, तो क्वालिफाई और डिस्क्लेम वाली बात करनी. ब्रेक 6:33 हुए हैं, दिखाता हूँ. 6 पक्की बात है, पक्की बात है, कर लेते हैं ब्रेक, कर लेते हैं. 6:33 हुए हैं, 6:45.